हाय एवरीवन, कंपटीटिव कोडिंग की इस वीडियो सीरीज में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गोरिथम देखा था कि सीव ऑफ इराटोस्थीन्स वर्क कैसे करता है, हम लोग उससे कैसे प्राइम नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप लोग उसका कोड एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बट मुझे किसी ने भी कमेंट नहीं किया सर हैशटैग कम्प्लीटेड मेरे से कोड हो गया। बट कोई बात नहीं, अगर आपसे कोड नहीं हुआ है तो स्टिल ये लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि किसी सीव ऑफ इराटोस्थीन्स का हम लोग कोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एल्गोरिथम तो देख ही रखा था कि वर्क कैसे करता है। तो लेट्स स्टार्ट, ओपन द कंपाइलर एक्स कोड एंड प्लीज़ कोड को आप लोग काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोड में मैं करवा क्या रहा हूँ और कैसे कैसे चल रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ गाइस आप लोग ड्राई रन करना सीख जाइए, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोड्स काफ़ी बड़े बड़े होंगे ना, तब आप लोगों को ये समझने में दिक्कत होगी कि कहाँ से कौन सा चीज़ इंटरलिंक्ड हो रहा है। आज तो कोड छोटे छोटे हैं, बट प्लीज़ मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग ड्राई रन का आदत डाल लीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। हम लोग इसमें आज करेंगे कोड ऑफ सीव ऑफ इराटोस्थीन। नाम कितना अच्छा है ना, क्या क्या पहले लोग नाम रखते थे, वाओ, तो सच्ची वाओ। नाउ दिस, ठीक है, चलिए बताना स्टार्ट कीजिए। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, वेरी गुड। नाउ इंट मेन, अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एक सी आउट डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर नंबर अप टू विच यू वांट टू प्रिंट प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स प्रिंट कराना है आप लोगों को, प्राइम नंबर्स हो गया, इसको नंबर्स कर देते हैं। नाउ एंड लाइन चेंज कर देंगे, फिर हम लोग एक वेरिएबल मानेंगे इंट एन, सीन को भेजेंगे, जो भैया एन लेके जाओ, एन लेके आओ, सॉरी आओ, जो यूजर हमारा एन इनपुट करेगा। अब हम लोग एक फंक्शन में डालेंगे इसका, हम लोग फंक्शन का नाम लेते हैं सीव ऑफ इराटोस्थीन नाम ले लेते हैं। ठीक है, एस ई आई वी ई ऑफ इराटोस्थीन, ठीक है, सीव ऑफ इराटोस्थीन, और इसमें हम लोग एन पास कर देते हैं। ठीक है, नाम बहुत बड़ा हो गया क्या, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम फिर रखते हैं सीव, बस सीव रखते हैं और क्या, एंड एन पास कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये सीव एरर बताएगा बिकॉज हम लोग ने सीव नाम को कुछ बनाया है नहीं। चलिए अब सीव नाम का बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे फंक्शन, हम आपको पता होगा सी प्लस प्लस में हम लोग ने पढ़ा होगा, फंक्शन हम लोग मेनली इंट मेन के बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरा सी प्लस प्लस का लेक्चर देख लीजिए, आप लोगों को वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट द फंक्शन वॉइड एस ई आई वी ई, एस ई आई वी ई सीव, और हम लोग इसके अंदर एक इंट एन पास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्रिएट करेंगे, क्रिएट बूलियन एरे। ठीक है, जिसमें कि बूल, हम बूल एरे का नाम रखेंगे प्राइम। ठीक है, एंड एन प्लस वन, अगर एन का वैल्यू 10 है तो जो एरे का जो साइज बनता है, मतलब कि हाँ एरे का साइज तो 10 ही बनता है, बट जो इंडेक्सिंग होगा वो कहाँ से होगा, 0 से लेके 9 तक। बट हम लोग एन प्लस वन करेंगे तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगा, 0 से लेके 10 तक। ठीक है, एन प्लस वन पर हम लोग कर दिए। अब हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे मेमसेट, आप लोगों ने मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिन लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मेमसेट वर्क कैसे करता है, आप लोग प्लीज़ मेरा एक बार लास्ट लेक्चर देख लीजिए और हम लोग इसको सब में ट्रू कर देंगे। ठीक है, एंड साइज ऑफ आप लोग खुद से बताइए प्राइम। ठीक है, अब सर हम लोगों ने सबको ट्रू क्यों कर दिया, इसके पीछे लेकिन इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोग ये बताइए कि मेमसेट यूज़ करने के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज़ करते थे, हैच इंक्लूड सी स्ट्रिंग, वेरी गुड। ठीक है, नाउ मेमसेट में हम लोग सबने ट्रू इसलिए कर दिया, इट मीन्स कि हम लोग मान लेते हैं कि जो एन प्लस वन है, ठीक है, उसमें सब प्राइम है। ठीक है, एन प्लस वन सब प्राइम है। अब देखिए अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग से रिलेवेंस बैठा रहे हैं नंबर्स का। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, इंडेक्सिंग का रिलेवेंस बैठा रहे हैं नंबर से। हम लोगों n बराबर मान लीजिए 50 है, 50 तक का हम लोग को प्राइम नंबर निकालना है, हम लोग इंडेक्सिंग क्या माने 50 प्लस वन, मतलब जो एरे माने 50 प्लस वन माने, इट मीन्स कि इसका इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से लेके 51 तक, यहाँ तक क्लियर।
जीरो से लेके क्या होगा 50, सॉरी इंडेक्सिंग होगा जीरो से लेके 50 तक, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग पास एक डिजिट बैठा लिए कि जो पहला ब्लॉक है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा ब्लॉक है वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा ब्लॉक टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे करते करते लास्ट वाला ब्लॉक जो 50 नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग सब में ट्रू डाल दिए, मान लेते हैं कि सब प्राइम नंबर है। अब हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि क्या वो वाकई में प्राइम है या नहीं है, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग लूप बैठाएंगे फॉर इंट आई बराबर सॉरी पी बराबर मान लेते हैं टू एंड पी इंटू पी लेस देन बराबर एन एंड पी प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, ये एक कंडीशन मैंने बताया था आप लोगों को कि ये कंडीशन होता है इस केस में, ये एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए अगर इफ जो प्राइम पी है, ठीक है, अगर वो आपके पास फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स कि वो इट इज नॉट प्राइम, ठीक है। अगर वो पहले ही फॉल्स हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और फॉल्स कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, प्राइम पी के लिए, ठीक है। अगर ट्रू है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फॉल्स तो फिर देखना ही नहीं है इसको, फॉल्स अगर है तो हम लोग देखेंगे ही नहीं, लेकिन ट्रू है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर इंट आई बराबर पी इंटू पी, ठीक है। मतलब कि जो पी आया अब उसका मल्टीपल देखेंगे, अल्टीमेटली किसी का मल्टीपल हम लोग को मिल जाएगा, इट मीन्स कि वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं ना। फोर का मल्टीपल टू मिल जाएगा, हम लोग को प्राइम नंबर नहीं है। वैसे ही फोर का प्लस टू और कर देंगे सिक्स, इट मीन्स कि वो उसका भी मल्टीपल मिल गया हम लोग को, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे करते करते हम लोग छांटते चले जाएंगे सबको, और जो प्राइम नहीं होगा उसको हम लोग उसका वैल्यू फॉल्स करते जाएंगे, ठीक है। तो हो गया आई लेस देन बराबर एन एंड आई बराबर आई प्लस पी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, और एक होता है आई प्लस बराबर पी, ठीक है। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, चलिए मैं आई प्लस पी कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या हम लोग करेंगे, अब लिखेंगे, अब अगर ऐसा मिलता है हम लोग को तो हम लोग प्राइम ऑफ पी को सॉरी प्राइम ऑफ आई को हम लोग फॉल्स सेट कर देंगे। दैट्स इट। इट मीन्स कि आई, देखिए अगर आई का पहले पी का वैल्यू टू आया, ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, यहाँ पे आते हैं हम लोग। हाँ, आई का वैल्यू मैंने अगर पी का वैल्यू मैंने टू रखा तो आई का वैल्यू कितना होगा, फोर। अब फोर का मल्टीपल मिलते जाएगा टू टू के इंक्रीमेंट के साथ, चार छः आठ दस बारह बारह चौदह सोलह अठारह बीस, ठीक है। थ्री हुआ तो थ्री इंटू थ्री नाइन, अब नाइन के बाद का मल्टीपल मिलते जाएगा तीन तीन के इंक्रीमेंट के साथ। इट मीन्स कि सबका मल्टीपल जो जो हम लोग को मिलते जा रहा है उसको सीधा फॉल्स कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीधा हम लोग फॉल्स कर दे रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ना, हम लोग सारा मल्टीपल चेक नहीं कर रहे हैं, अगर एक भी एक्स्ट्रा मल्टीपल मिल जाता है तो हम लोग उसको फॉल्स कर दे रहे हैं, प्राइम ऑफ आई बराबर फॉल्स, ठीक है। ये चीज़ लूप कम्प्लीट, ये लूप कम्प्लीट, ऐसे करते करते फिर पूरा पी बराबर जितना तक चलना होगा, पी इंटू पी पी स्क्वायर एन तक चल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट प्राइम नंबर्स फॉर इंट जे बराबर टू, जे लेस देन बराबर एन एंड जे प्लस प्लस, इफ प्राइम ऑफ जे बराबर बराबर ट्रू, तब हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे जे को। बिकॉज हम लोग तो क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, हम लोग रिलेवेंस कर रहे हैं इंडेक्स को नंबर के साथ, ठीक है, जे एंडर लाइन चेंज। डैट्स इट गाइस, हमारा कोड कंप्लीट हो रखा है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं कि हमारा कोड रन कर रहा है या नहीं। तो रन, यहाँ से रन होता है, आप लोग मैंने बता रखा है, बिल्ड सक्सीड, आई होप कि हमारा कोड सक्सेसफुल रन कर जाना चाहिए। देखते हैं, पहले हमने मैसेज प्रिंट कराया, वो मैसेज आएगा, इंटर द नंबर अप टू विच यू वांट टू प्राइम, रनिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए रनिंग लेक्चर। नाउ हम लोग कराते हैं 50 तक प्रिंट, एंटर, यस, 2 3 5 7 11 13, दिस, फिर से रन कराते हैं। हम लोग करते हैं इसका, इस बार 1000 तक करते हैं, 1000, ठीक है, ये कितना जल्दी आउटपुट आया,
जितना भी प्राइम नंबर उसके अंदर था सारा प्राइम नंबर हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है, ये कोड मैं आप लोगों को अपने गिटहब अकाउंट पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। प्लीज़ आप लोग इस कोड का खुद से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने बता दिया। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में खुद से पहले लिखिए, फिर उसको ड्राई रन कीजिए, फिर उसको कंप्यूटर पे कीजिए, फिर उसको अगले दिन फिर से कीजिए। ऐसे करते करते ना ये आपके जहन में शामिल हो जाएगा एंड एट द एंड फिर आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी इनबिल्ट एल्गोरिथम जो काफ़ी फेमस है ना, आपको उसको अपने अंदर उतारने में टाइम लगेगा। अगर उसको आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एट द एंड आपके वो एल्गोरिथम्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड यही सब चीज़ है जो पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, एंड ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पता है दोस्तों, कोड इतना भी टफ नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप मुझे तो पहला बार में क्या, मुझे तो 2 महीना तक ये कोड समझ में नहीं आया था, मैं सच कहूँ तो मुझे ये चीज़ इतना टफ लगा था। बट मैं इसे रोज़ प्रैक्टिस करता था, रोज़ देखता था, रोज़ विजुअलाइज़ करता था टेबल्स बना बना के, तब मुझे जाके समझ में आ गया। ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, सच्ची काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा इसे करने के बाद। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये चीज़। एंड काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आप लोग प्लीज़ गिव में बीच में गिव अप मत कीजिए कि सर मेरे से अब नहीं हो रहा है। एंड आप लोग प्लीज़ ना अपने अपने एक बार डाउट्स लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, सर मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, सर मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं यहाँ सर बैठा हूँ ना। आप लोग प्लीज़ अगर कमेंट्स करके मुझे बताइए तो कि सर दिक्कत कहाँ हो रही है, एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। थैंक यू गाइस, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कॉलेज में यार अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दो, अपने सीनियर के साथ शेयर कर दो, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दो, ताकि कम्युनिटी और बड़ी हो सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।